हर कोई कांसीराम बनना चाहता है लेकिन कोई भी उनकी आइडियोलॉजी पे नहीं चलता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए माननीय कांसीराम साहब जो समाज को देखे गए, कुछ बिरले नेता ही होते हैं जो समाज को कुछ देखे जाते हैं, इसलिए सब लोग माननीय कांसीराम साहब बनना चाहते हैं क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने जो बहुजन समाज है हमारा, जो पिछड़ा हुआ जो समाज है, उसको बहुत कुछ दिया है। क्योंकि जो ये जो पिछड़ा हुआ जो समाज था, ये समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय कांसीराम साहब ने बड़ी मेहनत की और हजारों हजारों किलोमीटर तक साइकिलें चलाई, इस बहुजन समाज को गली गली कूचे कूचे में जाकर के लोगों को जगाया, लोगों को बताया कि आज तुम्हें ताकतवर बनने की ज़रूरत है। क्योंकि जब ताकतवर समाज ताकतवर होगा तो तुम्हारी बात भी सुनी जाएगी और तुम्हारी बात भी मानी जाएगी, और जो कमज़ोर होता है कमज़ोर की बात नहीं मानी जाती। तो माननीय कांसीराम साहब ने समाज को बहुत प्रेरणा दी कि आगे बढ़ो आप लोग और अपने लिए काम करो, इस बहुजन समाज के लिए काम करो। तो आज बहुजन समाज के जो लोग आपके सामने खड़े हैं, ये माननीय कांसीराम साहब की देन है कि उन्होंने हमारे अंदर ऐसे जज्बात पैदा किए कि हाँ हमें अपने दलित समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, जो हमारा पिछड़ा हुआ जो समाज है उसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए माननीय कांसीराम साहब बनना तो सभी चाहते हैं लेकिन काम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि माननीय कांसीराम साहब के अंदर वो आइडियोलॉजी थी, वो दिमाग था कि हर तरीके से हर चीज़ का ज्ञान था वो, क्योंकि DRDO में साइंटिस्ट रहे हैं और अपनी साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ करके 1978 में उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को भामसे की स्थापना की और 6 दिसंबर 1981 को DS4 की स्थापना की, 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की कि इस बहुजन समाज को आगे बढ़ाया जाए, इसको एक प्लेटफार्म दिया जाए। लेकिन क्योंकि कांसीराम बनने के लिए हमें अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को एक तरीके से कठोर बनने की ज़रूरत है, हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।